हमारे सफाई कर्मी भाई मोर्चे पर निकलते हुए लगातार संघर्ष पे। लगातार मेहनत करते हुए बुलाया गया और वहाँ SDM रविंदर यादव जी, ज्वाइंट कमिश्नर सुमित कुमार SBM नगर निगम गुड़गांव से हमें वहाँ पर बुला करके धमकाया गया। कर्मचारियों की मांगों पर कोई चर्चा नहीं की गई। आज भी निगम प्रशासन की तरफ से लेटर आया, ये बातचीत के लिए आ जाओ। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि एक सफाई निरीक्षक को निगम कमिश्नर और उपायुक्त महोदय से संघ के नेताओं की मीटिंग कराने का अधिकार किसने दिया? ये नियमों के खिलाफ है। अगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है, इस हड़ताल को समाप्त कराना चाहता है, तो निगम कमिश्नर महोदय से आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि वो अपने कार्यालय से पत्र जारी करें। संघ बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के रास्ते खुले हैं। हम भी नहीं चाहते कि कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से गुड़गांव की आम जनता को परेशानी हो। हमारी निगम प्रशासन अधिकारियों से, हरियाणा सरकार से मांग है, जो 3400 छटनी के सफाई कर्मचारी हैं, उनको हरियाणा सरकार के पत्र अनुसार 3 जून 2022 का पत्र है, पार्ट 1 के सभी कर्मचारियों को HKRNL के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके हरियाणा रोजगार कौशल विकास निगम में भेजा जाए और जो 940 लोग सरकार के सितंबर 2022 के पत्र के अनुसार विभाग रोल पर आने के लिए पात्र हैं, उन लोगों को विभाग रोल पर किया गया, 2534 लोगों को कौशल विकास निगम में समायोजित किया जाए और कर्मचारी के जो अन्य मांग मुद्दे हैं उनका शांति प्रिय तरीके से, जैसा कि देखिए इसने बताया कि कितनी शादी में आवाज आने का है ना, भारत में कुछ समय जो सरा लो जोरदार इनकलाब के साथ हमारे सफाईकर्मी भाई अपने मोर्चे पर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए लगातार संघर्ष पे हमारे सफाईकर्मी भाई अपने इंसाफ को लेकर लगातार लड़ाई चलती हुई संघर्ष काम के लिए अपने रोजगार के लिए जिंदाबाद। अच्छा सर नमस्कार, कितने दिन हो गए आज अपने करने को?
नमस्कार आपका, मेरा नाम राकेश प्याड़ है और आज लगातार क्रम में हमें आज 51 दिन हो गए हैं इस तरह बैठे हुए और तरह तरह से जो प्रशासन है, तरह तरह से जो सरकार है हमें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। एक तरफ कहती है सरकार के हम रोजगार देंगे, बेरोजगार करके आज हमें यहाँ बैठा रखे है 3480 कर्मचारियों को। और अब आखिरी जो उन्होंने नीति अपनाई है हमारे खिलाफ, एक दलित विरोधी बोलूँ या कर्मचारी विरोधी बोलूँ इसको मैं, इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम निगम के कर्मचारी, इस शहर के वासी, इस निगम में हम काम करते हैं, तो क्या जाकर हम राजस्थान में प्रदर्शन करेंगे अपना? जहाँ हम नौकरी करते हैं, जो हमारा परिवार है, हम अपना घर परिवार से ज़्यादा समय इस प्रशासन को, इस शहर को देते हैं, इस निगम को देते हैं। और आज इसने हमें स्पष्ट भाषा में कह दिया है, कल हमें SDM साहब ने बुलाया था मीटिंग के बहाने, लेकिन वहाँ पर हमें धमकाने का काम किया गया। हमें उम्मीद थी कि SDM साहब हमारा समर्थन करेंगे, हमारे जो मांग मुद्दे हैं, जो हमारे हक अधिकार है, उसकी परोपकारी करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। उन्होंने हमें धमकाया अपने तरीके से और कहा कि यहाँ पर एक धारा 144 लगी हुई है, आप यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ प्रदर्शन करते हैं लगातार क्रम में, तो आप पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। और आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देता हूँ कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रशासन चाहे हमारे ऊपर धारा लगाए, चाहे हमें लाठी डंडे मारे, चाहे हमें जेल में भरे, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे मांग मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। मांग भी सर आपकी कोई खास नहीं है, केवल एक रोजगार के लिए है, जो सरकार नागरिक सरकार से मांगते, कोई ज़्यादा भी मांग नहीं है। तो सरकार क्यों ऐसी हटकर्मी कर रही है? सरकार से हम लगातार क्रम में मात्र अपने एक रोजगार की मांग करते हैं, और रोजगार वो काम वो कि जिससे मेरा ये शहर, मेरा पूरा देश स्वस्थ रहता है। हम सफाई कर्मचारी है, अगर हम सफाई ना करें तो गंदगी होगी तो महामारियां फैलेगी। अभी पिछले साल आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी से कौन लड़ा, एक पुलिस प्रशासन और एक सफाई कर्मचारी। जब हर एक व्यक्ति अपने घर में था, सफाई कर्मचारी रोड पर था। जो मृत्युएं हुई उनको अग्नि देने का काम भी सफाई कर्मचारियों ने किया। सरकार से हमने कोई गाड़ी, महल, बंगले नहीं मांगे, मात्र एक रोजगार मांगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को अपील करते हैं, सरकार से, कि जो हमारे अधिकार है, जो हमारी नौकरियां है, वो हमें वापस दे, दोबारा से काम पे आए, ताकि एक घर में बच्चों की पढ़ाई और घर का खाना अच्छी तरह चल सके। तो धन्यवाद सर, ये खबर आप देख रहे हैं ओएसएस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से। ये जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएं और इन सफाई कर्मी भाइयों को इंसाफ मिले, ताकि इनका घर परिवार अच्छी तरह चल सके। धन्यवाद।